चली गई मेरी बेटी, अब तमाशा बन के रह गए हम। पत्री को ऑपरेशन कराने गए थे, 3:30 बजे करीब हम ओटी में एडमिट हुए और 4:30 बजे डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आपका तो दिल बैठ गया, हम कंट्रोल से बाहर हो रहा है। यहाँ जो डॉक्टर काम कर रहे हैं या जो स्टाफ काम कर रहा है उसमें काम करने की कुछ भी काबिलियत नहीं है। ना तो ढंग के डॉक्टर है, ना पढ़े लिखे डॉक्टर है, ना उनको आई सी यू ना कुछ है, ना किसी भी दवाई देनी आती। कहाँ जाए, कहाँ से उसको ढूंढ के लाए? स्ट्रेचर पे उसे ले जा रहे थे अंदर, तब हमने उनके पैरों को एक बार हाथ लगा के देखा तो वो बिल्कुल ठंडे हुए पड़े। ऑपरेशन का कितना खर्चा बताया? ऑपरेशन का खर्चा बताया था, लेकिन वही बढ़ा के वो भी 55-60 रुपए तक बता दिया था कि आप कितने ऑपरेट और होगा। और उसके बाद जब केस बिगड़ गया तो यहाँ से उन्होंने पैसे लेने की बजाय वहाँ पे हमें 75,000 रुपए जमा कराया दूसरे ब्रांच पे हमसे। हाँ जी, हम तो ये कहेंगे हमारा मरीज चला गया, हमें पूरा इंसाफ चाहिए जी। जहाँ डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है, भगवान के बाद उन्हीं को पूजा जाता है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। समय मौजूद हूँ दाबड़ी में, जहाँ पर एक ऐसा मामला सामने आया है जहाँ 40 वर्ष की महिला अस्पताल तो जाती है पर वहाँ से उसकी डेड बॉडी लौट के आती है। आइए जुड़कर जानते हैं पूरा क्या मामला था परिजनों से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनय कुमार है। क्या हुआ था सर? मेरी वाइफ का नाम चंचल है। हम कल पित्त की थैली के अंदर पथरी को ऑपरेशन कराने गए थे। 15 mm की पथरी थी, हम सामने ही हमारे मेन रोड के इधर पास सामने ही एस किडनी स्टोन के नाम से हॉस्पिटल है, उसके अंदर हम ऑपरेट कराने गए थे। 3:30 बजे करीब हम ओटी में एडमिट हुए और 4:30 बजे डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आपका तो दिल बैठ गया, हम कंट्रोल से बाहर हो रहा है, 40% भी दिल काम नहीं कर रहा आपका। उन्होंने 1 घंटे और फिर बेवकूफ बनाया, उसके बाद कह दी अब तो आप बिल्कुल ही दिल ना के बराबर काम कर रहा है और इसे कहीं से ले जाओ। मतलब हम ऑपरेट तो पथरी कराने गए अपने, उन्होंने हमारी जान उसकी जान ले ली। क्या इमरजेंसी आ गई थी कि अचानक से कल पथरी का ऑपरेशन कराने की पड़ गई? नहीं, इमरजेंसी तो कुछ नहीं थी, वो तो हमें 2-3 महीने बाद हमारा प्रोग्राम था कुआ पूजन का, तो उसके चक्कर में वो सोची थोड़ी सी गैस की प्रॉब्लम रहती है तो वो ठीक हो जाएगी। वैसे तो फर्स्ट क्लास थी, कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो हट्टी कट्टी चल के गई हम तो। क्या उम्र थी उनकी? हाँ जी, क्या उम्र थी? उम्र थी 41 साल की उनकी। हाँ जी। बच्चे कितने आपके? बच्चे दो बच्चे, एक बच्चा 3.5 साल 2.5 साल की लड़की है, एक मेरा 9 साल का लड़का है। क्या लग रहा है हॉस्पिटल प्रशासन की क्या लापरवाही नजर आ रही है? हमें तो ये हॉस्पिटल में किसी तरह की सुविधा नहीं है और किसी पर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है और पूरी पूरी लापरवाही की गई है। ना तो ढंग के डॉक्टर है, ना पढ़े लिखे डॉक्टर है, ना काबिल है किसी तरह की, ना किसी तरह की कोई इंप्रूवमेंट, ना उनके पास आई सी यू है, ना कुछ है और ना किसी भी दवाई देनी आती डॉक्टर को। मतलब सबके सब लल्लू पंजू भर रखे उन्होंने और हमारी मरीज के साथ जान के साथ खिलवाड़ हो गया उनके चक्कर में। और उसके बाद उनके पास से कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है, उसके बाद इलाज के बाद पेशेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है उनके पास। उनसे डिस्चार्ज समरी मांगो तो डिस्चार्ज समरी नहीं मिलती है, इलाज का वो मांगो तो इलाज वाला सिस्टम नहीं मिलता, क्या इलाज किया है इन्होंने। अच्छा ये बताइए कि काउंसलिंग के लिए पहले जा रहे थे कि स्टोन की इतने समय से प्रॉब्लम चल रही थी, तो काउंसलिंग के लिए एक बार भी उस हॉस्पिटल में गए थे आप? नहीं, हम तो 5 साल पहले हमने वो कराया था, स्टोन था, लेकिन 5 साल से हम टालते जा रहे थे करा लेंगे, लेकिन हमारा थोड़ा मन बन गया था कि अभी कराना है, तो हम कल भी गए थे वहाँ पे। मतलब कल तो डेथ हुई थी, उससे पहले गए थे हम वो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। अल्ट्रासाउंड में देखा जी 15 mm के है, तो फिर हमारा मन किया चलो जी ऑपरेटिव करा लेते हैं। हॉस्पिटल में गए थे अल्ट्रासाउंड कराने? हाँ जी, उसी में अल्ट्रासाउंड कराने गए। उन्होंने सजेस्ट किया था क्या? हाँ, उन्होंने बोला था इसका ऑपरेशन करा लो तो आपका स्टोन खत्म हो जाएगा और आगे से कैंसर भी हो सकता है और कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो भी खत्म हो जाएंगी, भविष्य आपको सुरक्षित हो जाएगा। दुनिया का मैंने कराया, कम से कम 1000 केस करे हैं और सब सुरक्षित है, तो हमें भी लालच आ गया कि हम भी करा लेते हैं, हम भी ठीक हो जाएंगे औरों की तरह। उन्होंने ना तो मिलने दिए, ना ही कुछ दिया, इनको मरीज को रेफर कर दिया दूसरी जगह पे। रेफर करने के बाद ना तो पेपर अपने आप भेजा है उन्होंने, अपने आप एम्बुलेंस बुला के उन्होंने अपने आप भेजा। आपसे सलाह भी नहीं? नहीं, हमसे भेजने के लिए कोई सलाह नहीं ली उन्होंने। फिर भेजा उन्होंने, उनकी बड़ी ब्रांच थी कालरा हॉस्पिटल है कीर्ति नगर में, उसमें भेजा इन्होंने। तो डेथ वहाँ जाके हुई, उस दौरान जब यहाँ से वहाँ भेजा गया? डेथ तो यहाँ हो चुकी थी, वो तो केवल ये खाना पूर्ति कर रहे थे कि ये अपनी इज्जत बचा सकें ये वाले हॉस्पिटल वाले, और वहाँ जाके उन्होंने वेंटिलेटर की कैटेगरी बना दी कि पेशेंट कैटेगरी वेंटिलेटर पे है और देखिए आपका इसका बीपी भी बढ़ रहा है थोड़ा, मगर पेशेंट को उन्होंने हमें कुछ दिखाया नहीं। पेशेंट वहाँ केवल यूं ही पड़ा हुआ था, 2-3 घंटे के बाद जब उन्होंने देखा कि सारे मिलने जुलने वाले जा चुके हैं, ये अकेला है, इसे बुला के उन्होंने कह दिया वेंटिलेटर पे है लेकिन इसमें कुछ नहीं रखा है, इसको आप घर ले जाइए। जब यहाँ से दाबड़ी से कालरा हॉस्पिटल ले गए तो उस समय कोई पेशेंट के साथ था परिवार का? तो हमें एम्बुलेंस में आगे नहीं बिठाने दिया गया, हमें कहा आप पीछे बैठो, मतलब आगे बैठो, पीछे मरीज के साथ कोई नहीं बैठेगा, और हमें नहीं बिठाने दिया, हमें कोई नहीं पता। हम जो उसमें मतलब आपने एक बार भी नहीं देखा उस दौरान मरीज मूवमेंट कर रहा था? नहीं, मरीज को देखा था, मरीज का शरीर ठंडा पड़ चुका था, ठंडा पड़ चुका था, स्ट्रेचर पे उसे ले जा रहे थे अंदर, तब हमने उनके पैरों को एक बार हाथ लगा के देखा तो वो बिल्कुल ठंडे हुए पड़े थे।
हमें तो डाउट उसी वक्त हो गया था कि मरीज हमारा नहीं बचा हुआ, लेकिन वो कह रहे जी हम जाने जाने, तो हमें सोचता कि शायद कुछ डॉक्टर सही बोल रहे होंगे, तो हमें इसलिए डाउट हुआ, लेकिन वो जान थी नहीं, वो हम बेवकूफ बना रहे थे, हमें बाद में पता चला। हमने FIR दर्ज कराई है। क्या कहना है पुलिस वाले? वो कहते जी अभी आज उनका वो हुआ है, पोस्टमार्टम हुआ है, दो दिन बाद रिपोर्ट आएगी, उसके बाद पक्की FIR दर्ज होगी। अभी उन्होंने खानापूर्ति वाली FIR दर्ज करी। हॉस्पिटल प्रशासन से जवाब मांगेगी क्या कारण रहा कि इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई? हाँ जी, हम तो यही कहेंगे हमारा मरीज चला गया, हमें पूरा इंसाफ चाहिए जी, और जितने भी बंदे हैं सबको जेल होनी चाहिए, सबको फांसी होनी चाहिए। क्या लापरवाही लग रही है कि क्या हुआ होगा ऐसा? यहाँ जो डॉक्टर काम कर रहे हैं या जो स्टाफ काम कर रहा है उसमें काम करने की कुछ भी काबिलियत नहीं है। ये जो लोगों का इलाज कर रहे हैं केवल लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उनकी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, मनचाहा पैसा मांग रहे हैं। ऑपरेशन का कितना खर्चा बताया? ऑपरेशन का 45,000 खर्चा बताया था, लेकिन वो भी बढ़ा के वो भी 55-60 रुपए का बता दिया था कि आपके इतने ऑपरेट और होगा। और उसके बाद जब केस बिगड़ गया तो यहाँ से उन्होंने पैसे लेने की बजाय वहाँ पे हमने 75,000 रुपए जमा कराया, फिर दूसरे ब्रांच में हमसे 50,000 ऑपरेट के 25,000 रुपए दबा के वो उन्होंने फिर जमा कराया। अच्छा, कभी सरकारी अस्पताल में दिखाने की कोशिश नहीं? कभी नहीं करा जी हमने, किसी और अस्पताल सरकारी हॉस्पिटल कभी नहीं जाती थी, वो लगती थी मेरी लाइन लगेगी और टाइम वेस्ट होगा, तो प्राइवेट ही ठीक है, जल्दी टाइम वेस्ट हो, जल्दी टाइम हमारा काम हो जाएगा, कि बच्चे नहीं छोड़ने पड़े, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, इस चक्कर प्राइवेट में जाते थे। तो अभी जो अभी आपके पास कंप्लेंट कॉपी है मौजूद है? कंप्लेंट कॉपी अभी नहीं है। कोई कंप्लेंट कॉपी नहीं दी आप? नहीं, हमें कोई नहीं, वो अपने पास रखे, अपने पास ही रखी है उन्होंने। देखिए किस तरीके की पुलिस ने भी अभी बताया कंप्लेंट कॉपी नहीं दी है इन्होंने, जो लिखित में आपने कंप्लेंट दी थी लिख कर दिया था आपने? लिखित में हमने कंप्लेंट मतलब हमने लिख के नहीं दिया, उन्होंने जो होते अपने पेपर पे लिख के हमसे साइन करा के खुद ही रख लिया पुलिस वालों ने। अच्छा। कॉपी कोई रिसीविंग वगैरह हमें कोई नहीं दी रिसीविंग उन्होंने। कल डेथ हुई है, आज अंतिम संस्कार भी हो गया है, और अभी तक पुलिस ने आगे, हालांकि FIR दर्ज होना सही बात है कि पोस्टमार्टम आने के बाद, पर कहीं ना कहीं इनको रिसीविंग दी जानी चाहिए थी ताकि परिजन जो है अपने मामले पर गंभीर रहें और इस पर सख्त से सख्त एक्शन हो पाए। हॉस्पिटल प्रशासन कहाँ है अभी? सब भागे हुए, सब फरार है, जो डॉक्टर था जिन करा दे हॉस्पिटल इस समय बंद है? नहीं, हॉस्पिटल खुला हुआ है लेकिन दूसरा स्टाफ बैठा है, स्टाफ कोई और है, कल वाला कोई भी स्टाफ वहाँ नहीं है। हम सुबह गए थे तो वहाँ पे कल वाला कोई स्टाफ नहीं मिला हमें, सब नए बंदे मिले थे। क्या कहना है उनका? उनका तो कहते जो नहीं डॉक्टर से बात करके उन्होंने ऑपरेट कराया, और वो डॉक्टर तो फोन ही नहीं उठा रहे जिनसे जिन्होंने ऑपरेशन करा था हमारा। कौन डॉक्टर थे? डॉक्टर अतुल अग्रवाल थे जिन्होंने ऑपरेशन करा था, और वो बंदे फोन ही नहीं उठा रहे और गायब है वो। आपकी बेटी आपसे मिलकर आई थी तो क्या उस समय क्या कैसी कंडीशन थी बेटी? मैं नहीं मिलने गई, मेरी बेटी गई थी, मैं उसके बच्चों को संभाल रही थी घर पे। मैंने इनको कहा मेरे को बताओ तो सही क्या हाल चाल है, कह रहे थे हमें दिखाई नहीं रहे, हम देखने गए थे हमें लड़की दिखाई नहीं है, वो हॉस्पिटल में दिखाई नहीं, दिखाई नहीं गई, दुरानी उसके पास थी उनको भी नहीं देखने दिया, वो भी कहती रही मुझे बात करा तो मुझे नहीं देखने दिया उन्होंने बच्चों को, तो सुबह 6 बजे बॉडी हवाले कर दी, हमें नहीं बताया गया कि वो की पता चला कि डेथ हो गई है। आज सुबह पता चला, सुबह बॉडी लेके जब मेरे को तो जब ही बताया, कह रहे 4 बजे बताया, मुझे नहीं पता 4 बजे का भी, मुझे घर में बताया गया 6 बजे जब घर में बॉडी लेके आ गए, पहले नहीं कुछ नहीं बताया किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। चली गई मेरी बेटी, अब तमाशा बन के रह गए हम तो। बहुत समझदार बच्ची थी मेरी, बहुत लायक बच्ची थी। ये मेरा दोता है, ये दोता है मेरा, मेरी बेटी का बेटा है ये मेरा जवाई है। बहुत अच्छे बंदे थे ये, बहुत गुड बंदे थे, इनकी इतनी तारीफ की जाए वो कम है, मगर उसको डॉक्टरों के कारण ये हमारे साथ हादसा हुआ जो हम सह नहीं सह पा रहे हैं। कहाँ जाए, कहाँ से उसको ढूंढ के लाए? मैंने तो अपने हाथों में मैं अपनी बच्ची भेजी कल अस्पताल में, मुझे क्या पता। देखिए मेरे पीछे एक अस्पताल है, ये प्राइवेट निजी अस्पताल है, और इसी के अंदर महिला का जो है ट्रीटमेंट होता है। पर अभी देखिए हमने हॉस्पिटल प्रशासन से बात करने की कोशिश की पर किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि पहले इसी अस्पताल से कालरा हॉस्पिटल डेड बॉडी को शिफ्ट किया जाता है। परिजनों ने कहा कि डेड बॉडी हो गई थी, और पूरे बताया जा रहा है कि किस तरीके से प्रशासन ने पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। क्या कारण रहा अचानक से कालरा हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है, परिजनों को नहीं बताया जाता।
इसके लगातार ऐसे मामले पहले भी उठते रहे हैं। निजी अस्पताल जो है अपनी मनमानी करते नजर आते हैं, पैसों के लालच में किसी व्यक्ति की जान से खेल जाते हैं, और यही पूरा मामला यहाँ पर भी हुआ। यही वो सड़क है जहाँ सुबह में लोगों ने चक्का जाम कर दिया, पुलिस आती है, कंप्लेन भी दर्ज होती है बता रहे हैं, पर अभी तक उसकी हालांकि रिसीविंग नहीं दी गई परिजनों को, और पूरी सड़क को जाम कर दिया जाता है। पुलिस के आने के बाद ट्रैफिक को हटाया जाता है ताकि लोगों को आने जाने में समस्या ना हो, और बीते बताया जा रहा है तब से उस अस्पताल का उस फ्लोर का स्टाफ ही गायब है कि जिस व्यक्ति ने इलाज किया या जो भी उस समय मौजूद थे उस फ्लोर में, अभी कोई भी मौजूद नहीं था, जो कि हमने आपको अपनी वीडियो में दिखाया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसी और अन्य व्यक्ति के साथ इस तरीके की घटना ना हो। इसके साथ ही देखते रहे जलको दिल्ली में, कैमरा मैन नरेश के साथ पूनम।